हेलो स्टूडेंट, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज का हमारा नया वीडियो लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है भोजन और पोषण की, तो उसी क्रम में आज का वीडियो है विटामिन्स के बारे में। तो आज का हमारा मुद्दा है विटामिन्स का आपके शरीर में क्या है कार्य, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि ये विटामिन के लिए ये खाइए, इस विटामिन के लिए ये खाइए। कभी कभी विटामिन्स के लिए हमको टैबलेट्स भी खानी पड़ जाती हैं। तो ये विटामिन आखिर हमारे शरीर में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो चलिए शुरू करें फटाफट वीडियो को। चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है निहारिका शर्मा और मैं अनअकैडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। आप अगर अभी तक अनअकैडमी पे नहीं हैं तो आप वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ आ सकते हैं, मेरे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें अनअकैडमी को तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं CHP10, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट और बहुत सारे ऑफर्स मिल सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारी परंपरा है, तो आज का सवाल प्रश्न है हमारा आपसे, विटामिन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। आपके सामने मैंने दो कथन रखे हैं। पहला है विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा कथन कहता है हमारे शरीर में सभी विटामिनों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। आपके सामने विकल्प हैं। ऑप्शन ए कहता है केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी कहता है केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी है कथन एक और दो दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, थोड़ा सा सोचिए समझिए। जो जवाब आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो फटाफट से सोच समझ के आंसर कीजिए, फिर मैं इसका सही उत्तर आपको बताती हूँ और इसके एक्सप्लेनेशन पे हम चलते हैं। आई थिंक अब तक बहुत सारे आंसर्स हमको कमेंट बॉक्स में मिल चुके हैं, सो शुरू करते हैं जवाब और डिस्कशन से। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, यानी कि दोनों कथन गलत हैं। विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, गलत। बेटा विटामिन का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। वृद्धि के लिए शरीर के आवश्यक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑल। ओके, तो विटामिन्स का रोल वृद्धि को लेकर तो नहीं, तो फिर क्या रोल है ये मैं बताऊंगी। हमारे शरीर में सभी विटामिनों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर में, माइक्रो जिसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता है। तो विटामिन मैक्रो नहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है लेकिन कम मात्रा में, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं। चलिए तो चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले विटामिन का रोल क्या है? तो विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। आपको आपकी बॉडी में होने वाले जो भी रोग हैं, जो हमारे शरीर की समस्याएं हैं, उससे लड़ने के लिए, हमको स्वस्थ रहने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता है, ना कि प्रचुर। प्रचुर का मतलब होता है एनफ क्वांटिटी, अच्छी खासी मात्रा। तो हमारे शरीर को सब टाइप के विटामिन्स चाहिए लेकिन सब कुछ कम कम क्वांटिटी में, ठीक है, छोटी मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर के द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे हम भोजन के रूप में लेते हैं। देखो, हमारे शरीर को चलने के लिए, बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके के फूड्स हमको चाहिए। कुछ हमारी शरीर में कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, कुछ चीज़ें हम भोजन से हासिल करते हैं, इसीलिए हम भोजन और पोषण को पढ़ते हैं, ठीक है। तो विटामिन एक ऐसे यौगिक हैं जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत है लेकिन हमारा शरीर बना नहीं सकता। उसे हम कैसे हासिल करते हैं? अपने भोजन से हासिल करते हैं, फूड से प्राप्त करते हैं। विटामिन्स को आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है, इसेंशियल है, यानी विटामिन के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता। चलेगा क्यों नहीं? क्योंकि इम्यूनिटी खराब होगी। इम्यूनिटी खराब होगी तो बीमारियां आपको घेरेंगी, आप जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, और अगर बीमार हो जाएंगे तो शरीर में सब तरह की जो ग्रोथ है और सारी चीजें रुकने लगेंगी, खराब होने लगेंगी, आपकी बॉडी धीरे धीरे करके डाउन होती जाएगी।
क्योंकि एक साथ कार्य करते हुए ये शरीर के भीतर कई भूमिकाएं निभाते हैं, इनके कई सारे रोल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला, हड्डियों को सहारा देते हैं, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे विटामिन डी है ना, ये आपने सुना होगा, बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। घाव को भरने के लिए विटामिन के का नाम आपने सुना होगा, हमारे जो अगर आपके शरीर पे कोई चोट लग जाती है तो वो कितना धीरे कितना तेज हील होती है उसके लिए विटामिन का रोल है। आपके सिस्टम को मजबूत रखता है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। भाई जब से कोविड आया इम्यूनिटी के बारे में तो सब बच्चे बच्चे जानते हैं, तो विटामिन का रोल इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए शरीर में ज़रूरी है। ये भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब भोजन से ऊर्जा तो मिलती है मैक्रोन्यूट्रिएंट से, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा से, लेकिन उस ऊर्जा के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना होगा ऊर्जा में शरीर के लिए, शरीर के अंदर, वो काम करने में विटामिन मदद करते हैं। यानी भोजन जो आपने लिया, जो आपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा ग्रहण किया, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं विटामिन्स। ओके, और कोशिकाओं की क्षति की मरम्मत करने में जैसे प्रोटीन का रोल है, तो वहीं पे विटामिन्स भी मदद करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो अगर कोई नुकसान आपको पहुंचा है, कोई चोट पहुंची है, कुछ भी आपकी सेल पे अगर प्रभाव पड़ा है, तो उसकी मरम्मत का काम भी विटामिन्स का है, मतलब हेल्पफुल है। प्रॉपरली तो नहीं, प्रोटीन भी वर्क करते हैं और भी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन विटामिन्स का रोल है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ज़रूरी है। अब चलो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो मैंने खा लिया, ठीक है, अब विटामिन मेरे शरीर में कम है, तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शायद मेरे शरीर में वो ऊर्जा ना दे सके जो वो दे सकता है, उससे मुझे शायद लाभ उतना प्राप्त नहीं हो सके जो हो सकता है। तो विटामिन का रोल है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, और पचेगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी। साथ ही हॉर्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए भी विटामिन ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हॉर्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है। पित्त जो है पाचन में सहायक है, हॉर्मोन्स आपकी वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, और विटामिन डी आपके बोन्स के लिए ज़रूरी है जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो रोल है शरीर में फैट को डाइजेस्ट करना है, फैट जब डाइजेस्ट होगा तो आपको ऊर्जा देगा, अगर फैट आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सिर्फ मोटापा बढ़ाएगा, बीमारियाँ बढ़ाएगा, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस ज़रूरी है। और उसके लिए कौन ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है। भाई लौट फिर के सारी बात विटामिन पे आ जाती है। अब कई तरीके के विटामिन हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड ऑल, तो उसके कुछ सोर्सेज, उसके चार्ट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। जैसे विटामिन सी हमें रसीले फलों से मिलता है, नींबू, संतरा वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे। विटामिन ए, विटामिन बी एंड ऑल, ठीक है, तो ये हमें एक बैलेंस में कम मात्रा में अपने शरीर में आवश्यक है, लेकिन आवश्यक है। अब यहीं पे जब बात विटामिन्स की चली है तो हम टाइप्स की भी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी ओनली। बाकी के जो विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी, और ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए भाई, कुछ सोर्सेस के पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जिनको खाने से आपको ये विटामिन शरीर में पूर्ति इनकी हो सकती है। ओके, इसके अलावा कुछ रोग भी होते हैं विटामिन की कमी की वजह से भी, और कुछ रोग विटामिन की अधिकता की वजह से भी हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, दृष्टिहीनता आ सकती है, अंधापन हो सकता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी आपकी पेशियां कमज़ोर हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी से आपके उसको स्कर्वी रोग हो सकता है, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है ना, घाव भरने में ज़्यादा समय लगेगा। विटामिन डी कम होगा तो आपको हड्डियों के रोग हो सकते हैं, रिकेट्स हो सकता है, हड्डियां आपकी सॉफ्ट हो सकती हैं, आसानी से मुड़ सकती हैं, टूट सकती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत छेद का रोग हो सकता है। आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा रोग होता है। लोहे की कमी से अरक्तता हो सकती है, यानी कि वीकनेस, जैसे आपने आजकल सुना होगा कि लोहे की कमी महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये विटामिन्स तो नहीं है, लास्ट के तीन पॉइंट्स कैल्शियम, आयोडीन, लोह, ये अलग तत्व हैं, इन पर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।
लेकिन विटामिन्स की कमी और विटामिन्स की अधिकता दोनों ही शरीर में बीमारियों का कारण हो सकता है। ओके, तो कैसी रही कहानी विटामिन्स की, चलिए मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी मुझे अनअकैडमी पे मिलिए, मेरा नाम है निहारिका शर्मा, मेरा रेफरल कोड है CHP10, इसका इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे कुछ फ्री लेक्चर्स भी हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को और आइए अनअकैडमी पे UPSC सेक्शन में मेरे क्लासेस में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।